हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचली वर्ल्ड। आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म होते ही सैलानियों ने किया पहाड़ों की तरफ रुख। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने की अनिवार्यता खत्म होने से एक दिन पहले ही रविवार को हजारों पर्यटक पहुंचे हिमाचल। सोलन जिले में रविवार को एक दिन में 4500 वाहनों ने किया प्रवेश। जिले के बॉर्डर से वीकेंड पर दो दिन में करीब 8000 छोटे बड़े वाहनों ने प्रवेश किया। कांगड़ा जिले के बॉर्डरों से 227 लोगों ने आवागमन किया। बिलासपुर के स्वारघाट बॉर्डर से 1704 पर्यटकों ने किया प्रवेश। पोंटा बैरियर से रविवार को 646 लोगों ने प्रवेश किया। रविवार को शोघी बैरियर से 2366 वाहनों ने प्रवेश किया और शनिवार को ये संख्या 1587 थी। वाहनों की संख्या बढ़ते ही पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। TTR में वाहन चालकों के कोविड पास समेत अन्य दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसमें TTR समेत अन्य क्षेत्रों में गश्त कर पुलिस वाहनों की जांच कर रही है। शिमला में 200, धर्मशाला में 50, मनाली 500, कसौली में 50, चैल 5, डलहौजी में 35 होटल खुल गए हैं। वहीं सोमवार को 3000 से ज़्यादा होटलों के ताले खुल गए हैं। रोहतांग दर्रा भी पर्यटकों के लिए बहाल हो गया है। अभी के लिए इतना ही। और खबरों के लिए जुड़े रहें हिमाचली वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।